पहले से ध्यान आप दिल से कर रही थी, पहले सालों भर से भी, पहले एक साल से हमें हमारी वीडियो सुन रही थी ना। अच्छा अच्छा तो साधना में बहुत आगे निकल चुकी हो। अंतिम जो सत्य क्या है वो क्या है, बुद्धि में क्या है अंतिम सत्य? स्वबोध का मतलब क्या है? आत्मा साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्मबोध का मतलब, आत्मा साक्षात्कार मतलब हम कुछ साक्षात्कार करेंगे, कुछ देखेंगे? नहीं, आत्मा साक्षात्कार अर्थ है हमारा जो मन है वो पूरी तरह से सेल्फ में डिजॉल्व हो जाए। और सेल्फ कौन है? परमात्मा है, वही आत्मा है, उसी को आत्मा साक्षात्कार कहा जाता है, कोई शिवा कहते हैं। हमारा मन जो है पूरी तरह से उसमें जब डिजॉल्व हो जाए, जैसे चीनी को लेकर हमने पानी में डाला तो चीनी पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व होकर और पानी के साथ मर्ज हो गया, इसी प्रकार से हमारे अंदर जो कुछ भी है मन चित्त पूरी तरह से डिजॉल्व होकर उसमें चला गया और आप शून्य हो गए। मैं खा रही हूँ, चल रही हूँ, तो अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इंडिविजुअल एक सत्ता खा रही हूँ। खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, चलना हो रहा है, सब कुछ बस हो रहा है, हो रहा में आ जाता है सब कुछ। तो सोचो कि आपके अंदर के जो मन है पूरे डिजॉल्व हो गया, अब सिर्फ अवेयरनेस है, एक दृष्टा है जो कि सब हो रहा है, यही आत्मा साक्षात्कार। ऐसा नहीं कि कोई पावर आएगा और उसको आप साक्षात्कार करोगे देखोगे, ये तो क्लियर है ना। तो पूरी तरह से आप जो कह रही थी ना कि मेरा हस्बैंड को मैंने लाया, बेटी को लाया, इन लोग का हो गया, हस्बैंड पहले दिन उनकी रोना स्टार्ट हो गया, कुछ हो गया, मेरा अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपको पहले ही से बहुत कुछ हो रखा है। नहीं तो अनाहत नाथ सुनाई देना सहस्रार पर ये ऊर्जा का नहीं होता। जो आपके साथ होता है अब आपकी बेटी और आपके हस्बैंड के थोड़े दिन बाद में धीरे धीरे वही स्थिति में आएंगे जो कि आपके यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रही है, निकल रही है एनर्जी इस प्रकार से। अनाहत नाथ सुनाई भी दे दे, अगर ध्यान करेंगे तो इसी मन ज़्यादा और शांत होगा तो अनाहत नाथ भी सुनाई देगा, लेकिन हमें अनाहत नाथ सुनाई दे, एनर्जी निकले, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा एक पॉइंट पे। कर्ता भाव बचा है कि नहीं, और थोड़ा सा भी बच जाएगा तो दुख देते रहेगा, डसते रहेगा, वो तूने मुझे बोला, वो मुझे आंख उड़ाया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, ये मेन है, ये पूरी तरह से हाँ है, इसलिए तो बोला है ना, तो डिजॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब उसी को डिजॉल्व करना है, वही परेशान होता है अंदर, परिवार को लेकर, बेटा को लेकर, बेटी को लेकर, हस्बैंड को लेकर, घर को लेकर, पैसे को लेकर, हैं पैसे को लेकर ना, वही परेशान हो रहा है। अब उसी पे ही निगाहें रखनी है, ध्यान कंटिन्यू करना है। और मैं कुछ यहाँ परसों सबको कुछ कुछ देकर भेजूँगा, उसको कंटिन्यू करना है, और धीरे 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 पूरे महाशून्य होते चले जाओगे आप। आपको ये जो लोग चिल्ला रहे हैं कुछ अनुभूति हो रही है, ये सूक्ष्म रूप से बहुत कुछ ऑलरेडी पहले घटित हो चुकी है कई लोगों के साथ पहले। अंतिम अब सत्य के बोध के लिए पूरी तरह से अहंकार शून्य, इच्छाएं हैं ऐसा कुछ नहीं, पहले से बहुत बदल गया है ना, बदल गया। अभी क्या इच्छा है? अभी कुछ नहीं, जैसा कर्म करना है वैसा करती हूँ, पर अहम भाव है, अहम भाव है, जैसा मैं करती हूँ अगर ऐसा बोलती हूँ बाद में मेरे को रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई घर में कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत है, अभी विष है, मतलब अंदर में विष निकलेगा धीरे धीरे। अभी और दो तीन दिन है यहाँ पे हमारे साथ में, गुस्सा आता है, डर बहुत था, उसकी वजह से ध्यान करना शुरू किया था, डर काफी हद तक ठीक हो गया, मतलब कोई मरता था तो मैं मर जाती। गुस्सा आने का कारण क्यों है? सही नहीं कुछ होता है तो आसक्ति है, हाँ आसक्ति है,
क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस आया नहीं है पूरी तरह से। एक्सेप्टेंस के मत समझ रही हो, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, इसमें सहज भाव से बोल सकती हो। वहां पे गुस्सा होके बोल रही हो, यानी कि प्रकृति के नियम को आप उंगली दिखा रही हो, परमात्मा के नियम को आप उंगली दिखा रही हो। एक तरफ से परमात्मा को ही बोल रही हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसे करने से भी तो कुछ नहीं। उसको सहज भाव से अगर बोलना भी है ना, तो अपने आप सहज भाव से प्यार से भी बोल सकती हो। थोड़ा चिंतन मनन चाहिए अंत में, तब ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा आने का कारण है आसक्ति। अगर किसी में कोई आसक्ति नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा। मैं जो देख रहा हूं आपको अपने परिवार के प्रति आसक्ति है, इसको तो जलाना पड़ेगा, पूरी तरह से भस्म करना पड़ेगा। आपको अगला 90 दिन तक हर रोज बिस्तर पे लेट के जैसे ही ध्यान करोगे, थर्ड आई पे केंद्रित होकर, और ऐसा ध्यान में जाना कि मेरे परिवार जो है पूरी तरह से सबकी मृत्यु हो चुकी है, उनका सब जल रहा है, बेटा बेटी सबका शमशान में सब जल रहा है, बेटा बेटी पे बड़े बड़े ट्रक कुचल दिए, हड्डी पसली सब खत्म हो गया, एक आसक्ति नहीं बसनी चाहिए। कर पाओगे? उनको जैसे ही लगा कि ये मेरा बेटा है, तो ये कर्ता भाव है। जैसे बेटा और कुछ ना देखे, ये खोल देखे, खोल मल मूत्र मांस का एक खोल, उसमें एक स्पिरिट है जो अपनी यात्रा पे है, आत्मा है, जीव आत्मा। जब तक लगे कि ये मेरी बेटी है, मेरे पति है, मेरे बेटा है, तो मैं इस हॉल में कहता हूं किसी को भी कर्ता भाव कभी मिट ही नहीं सकता है। जब तक लगेगा कि ये है, वहां आसक्ति है, वहां गुस्सा आएगा ही। आप अभी सत्य को जैसा है वैसा देख नहीं पा रहे हो। जैसे ही लगा कि ये मेरी पत्नी और मेरे पति है, आप जाना लिख के रखना, आपका कोई कोई गुरु कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इशारा दे रहा है जो करने के लिए आप चाह रहे हो कि ये भी बचा रहे और ये भी हो जाए, दोनों हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा नीर आधार है, परमात्मा नीर आधार है, मन आधार पे खड़ा होता है। तो मन को जहां जहां से, अहंकार को जहां जहां से तुष्टि होती है, जहां जहां से पोषण मिल रहा है, वो सारे दरवाजा बंद करना पड़ता है और पूरी उसको तलवार से काटना पड़ता है। हाँ, यहां से कह रहा हूं, उनको काटने के नहीं, उनको जलाने के नहीं, वो अपना है, वो तो अपनी यात्रा में, वो अपनी मस्ती में रहेंगे, यहां यहां से तभी मुक्त हो जाओगे, तभी सब में ब्रह्म को देखोगे। तो गुस्सा आसक्ति के कारण। अब मुझे गुरुजी ने कहा है परिवार पुत्र पति सबके प्रति मेरी जो आसक्ति है, अब पूरी तरह से मैं शून्य हो जाए, शून्य कर लूंगा। जैसी भी परिस्थिति आएगी उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप जो भी कर्म होगा वो कर्म लयबद्ध होकर करती चली जाओगे। वो अंदर बाद में महसूस भी नहीं करोगे कि मैं कर रही हूं। अभी भी 2-3 दिन है, पूरी तरह से एकाग्र होकर। कुछ मतलब हुआ नहीं उतना तक ही मैं रुकी, समझ भी रही हूं, लेकिन ये कड़वा भी है, अब छोड़ना भी पड़ेगा इसको। अगर मैं कहूं कि मुक्ति चाहिए, तो मैं अगर कहता हूं कि बेटा बेटी को छोड़ दो, अब जो जहां जाए ऐसा आ जाए, छोड़ पाओगी? आप इधर ही रह जाओ, हमारे वहीं पे ऑफिस में, ठीक है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, ठीक है। 15-20 साल बाद में हम मिलेंगे फिर। हाँ, थोड़ा उनको बड़े पोस्ट बाल कर कुछ कर लो, और बच्चा कुछ चीज़ें हार थक जाओगी, तो अगर ये कह देती तो पास हो जाती। जो कहेंगे कि मुझे रखिए, तो उसको नहीं रखेंगे हम।
वो तो उस रखने में शक्ति हो जाएगी फिर इसकी। ये दिल से एक बार कह देती ना कि हाँ गुरु जी मैं, आप बोलो मैं जान दे दूंगी, अभी जान दे दूंगी, अब भी मुक्त हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगी तो वो बात कट गई, आप बोलोगी तो वो फिर नहीं होगा। अब मुझे पता है कि आप जान दे लो नहीं, आप गुरु को आप चलाने वाली हो, आप गुरु से कभी भी नहीं निकल पाओगे कोई भी। यहाँ अभी परीक्षा लिया ना, स्थिर हो गई, ध्यान उधर चला गया, ऐसी होती। मुझे देख रहे हो ना आप, ये मेरे हड्डी हड्डी हो गई थी, हड्डी हड्डी। जब मैं जब ये सब ध्यान करते करते निर्विकल्प समाधि में बैठे बैठे सूख गया था पूरा शरीर, मेरे लिए सारे परिवार अभी भी नहीं है, अब स्वयं बस सेल्फ है, लेकिन बाहर तो बैठे भी है। यही तो मैजिक समझना है। आप लोग इसी को समझ नहीं पाते हो, इसी को छोड़ नहीं पाते हो, इसीलिए स्वामी जी कह रहे थे ना, क्या बात, इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अंतिम सत्ता था, अब यहां से विदाई करो सब उनको, ठीक है, कोई आसक्ति नहीं, जो होगा सो होगा। इतनी बड़ी प्रकृति ब्रह्मांड है, उसने भेजा है तो वो देखेगा, वो समझेगा, अब आपके जरिए या किसी के भी जरिए। अब बहता हुआ पानी की तरफ बहते चले जाओ, जो भी परिस्थिति आए। अंदर बीस है, बीस आसक्ति रूपी सर्प का फन का जो अभी भी बीस है, उसको तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा आते रहेगा, गुस्सा खा जाएगा। गुस्सा के बाद गलानी होगी, कोई भी व्यक्ति जब गुस्सा करता है ना उसके बाद उसको गलानी होती है। गुस्सा में कहा था ना, तुरंत नीचे गिर जाता है, बिलो 200 लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड का 1000 लेवल, मैंने देख बताया था ना वाइब्रेशन का लेवल 1000 से आप बीच में ही हो आप मान लो, और उसमें भी अगर गुस्सा में करोगे तो नीचे आ जाओगे, निचले वाली दुनिया में आ जाओगे, गुस्सा का वाइब्रेशन में आ जाओगे। तो किस बात से गुस्सा, इसके बहुत सारे तो वीडियो में भी समाधान दी गई है और कई वीडियो भी अपलोड होगी, आप उसको देखो कि गुस्सा करने वाला कौन है, गुस्सा कर कौन रहा है, किस बात से गुस्सा हो रही है, कहाँ आ सकती है, खोजो अंदर। अच्छा आ सकती ये है तो उसको कहो कि अब मैंने छोड़ दिया। जो जो चीज़ के प्रति अंदर आ सकती है उसको कहो कि अब गुरु कृपा से मैंने इसको भी छोड़ दिया, और कुछ मिले मैंने इसको भी छोड़ दिया, और कुछ मिलो मैंने इसको भी छोड़ दिया, सब छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, अंत में स्वयं बच जाओगे। लेकिन आप चाहोगे कि मेरी आसक्ति भी बने रहे, मेरे बेटा बेटी भी मेरे बने रहे, सब बने रहे और ये भी हो जाए, ये दोनों नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अभी पूरी तरह से इनको, इनका अंतिम संस्कार कर देना है, मर चुके हैं आपके लिए। देखा क्या हो रहा है ये है? मैं तो उनके तो ये जीवन निकल जाएगा फिर, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू, उससे कोई थोड़ी भाग सकता है। आप भाग के दिखाओ, ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे यहाँ पे। ये शरीर है और शरीर के अंदर जो भी विभाग है ये तो प्रकृति है, तो प्रकृति रूपी प्रकृति जन्य शरीर एक क्षण भी कर्म किया हुए नहीं रह सकता, ये कर्म तो करेगी ही। बहुत सारे बंधन है आप सभी का, दिखाना भगा, इतने बंधन में बंध चुके हो आप कि आपको लोग ढूंढ ढूंढ के आपको लेके जाएंगे, चलो ये करो वो करो। ये शरीर किसी का भी शरीर, किसी गुरु का भी शरीर प्रकृति जन्य है, शरीर नहीं बैठ सकता है चुपचाप, शरीर कुछ ना कुछ करते रहेगा क्योंकि प्रकृति करता है, प्रकृति करता है। और जो प्रकृति स्वतः कर रही है, सबसे बड़ा भ्रम यही है,
आज तक जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है, घट चुकी है, घटने वाली है, वो कर रही है प्रकृति, आप नहीं कर रहे हो। आप जबरदस्ती टांग अड़ा के बोलते हो ये तो मैं कर रहा हूं, यार तुम कर रहे हो। यही तो समझाया जा रहा है कि आप कर्ता नहीं हो, उसके पीछे का सत्ता आप हो। ये तो अपने आप हो रही है, आपके द्वारा, बस इस प्रकृति जन्य शरीर के द्वारा ये चीजें हो रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये मैं कर रहा हूं। इसलिए आपकी जिंदगी में ढेर सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपकी बुद्धि से परे, समझ के परे आपकी जिंदगी में घट गई। समझ में नहीं आया, या अगर आपको लगता है कि मैं ही करता हूं, तो आप 10 प्लान बनाते हो, लेकिन 10 प्लान में से मान लो 5-6 प्लान आपके सक्सेसफुल हो गए, लेकिन बाकी क्यों नहीं हुए? जब ये हो गए तो ये भी होना चाहिए था, क्योंकि आप करता हो, आप करता हो तो ये भी कर देना चाहिए था, आप करता नहीं हो। मात्र यही भेद यहीं पे है।